आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण, जहां पर इवेंट की तैयारी में जुटी है योगी सरकार। ट्रेड शो में 72 देशों से प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अफ्रीकी देशों से आएंगे सबसे ज्यादा खरीदार। वहीं पर 400 उद्यमियों ने भी विभिन्न देश से अब तक यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया है, जहां पर यूपी सरकार के प्रयास से उद्यमियों का यहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट का ग्रेटर नोएडा में होगा आयोजन, और यहां पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में करीब 1,00,000 विजिटर्स के आने की यहां पर उम्मीद भी जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपी सरकार के प्रयास से उद्यमियों का हुआ है यहां पर रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आपको ये जानकारी दे दें कि 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट का यहां पर ग्रेटर नोएडा में आयोजन होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में करीब 1,00,000 विजिटर्स के आने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण, और इसको बता दें कि इवेंट की तैयारी में फिलहाल योगी सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है। ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे दें कि ट्रेड शो में 72 देशों से प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि अफ्रीकी देशों से आएंगे सबसे ज्यादा खरीदार, और इतना ही नहीं, इसके अलावा 400 उद्यमियों ने विभिन्न देश से अब तक कराया है रजिस्ट्रेशन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होगा 25 से 29 सितंबर तक, और कई देशों के उद्यमी भी इसमें आएंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहीं न कहीं इसको लेकर काम कर रही थी। पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था तो उसमें बड़े पैमाने पर जो विदेशी उद्यमी हैं, साथ ही साथ जो देश की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो शामिल हुई थी। ये दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो करने जा रही है। हालांकि इस ट्रेड शो में बड़े पैमाने पर जो उद्यमी हैं विभिन्न देशों से आ रहे हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा उद्यमी अलग अलग देशों से आने की उम्मीद है। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जो बड़े शहर हैं वहां पर रोड शोज भी किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो विदेशी प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मुलाकात करके उत्तर प्रदेश सरकार के इस ट्रेड शो के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो अफ्रीकन देशों से हुए हैं, जहां से बड़े पैमाने पर उद्यमी इस उत्तर प्रदेश के ट्रेड शो में आएंगे। हालांकि 400 से ज्यादा अलग अलग स्टॉल्स इस ट्रेड शो में लगाए जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के एमएसएमई उत्पाद और ओडीओपी उत्पाद उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर प्रदर्शित करेगी, जिसके जरिए से ये कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश के उत्पादों को बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में किस तरीके से प्रसिद्ध किया जाए, कैसे उनके एक्सपोर्टेशन को बढ़ाया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार इस ट्रेड शो का आयोजन करने जा रही है। हालांकि इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग है उसने तैयारी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से इसका आयोजन होना है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और कोशिश है कि इस बार का जो ट्रेड शो हो वो काफी बड़ा हो और बड़े पैमाने पर जो विक्रेता आएंगे जो कि अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे, वहीं बड़े पैमाने पर उद्यमी भी आएंगे जो इन उत्पादों की खरीद करेंगे। तो जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग ने ओपन कर दिया है, और लगातार इसमें विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि हैं जो इस ट्रेड शो में भाग लेने के लिए आ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन के लिए करा रहे हैं। बिल्कुल एसके, और ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से कहते आते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, उसके लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है, और इसी क्रम में इस इवेंट की तैयारी में भी जुटी हुई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के जो ओडीओपी उत्पाद हैं या जो एमएसएमई के जरिए बनाए जा रहे हैं उनको इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता मिले, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्टेशन बढ़े, और उत्तर प्रदेश के बढ़े हुए एक्सपोर्टेशन के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अगर हम पिछले कुछ सालों को देखेंगे तो 2017 से लेकर 2024 में उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्टेशन लगभग दोगुना हुआ है। जो पहले 87,000 करोड़ था, आज की डेट में कम से कम 1,62,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की तरफ से एमएसएमई और ओडीओपी उत्पादों का एक्सपोर्टेशन है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि इन ट्रेड शो के जरिए जो विदेशी उद्यमी हैं उनको आमंत्रित किया जाए और उनको उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न उत्पाद हैं जो अलग अलग जिलों में बेहतर ढंग से बनते हैं, जिनमें जिलों के लोगों को काफी महारत हासिल है, जो अच्छे उत्पाद होते हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाकर उनको इंटरनेशनल देशों में मान्यता दिलाई जाए और वहां पर भी इन उत्पादों की बिक्री शुरू हो, ताकि उत्तर प्रदेश
प्रदेश के लोगों को कहीं ना कहीं से इनकम मिले और उत्तर प्रदेश के उत्पाद भी दूसरे देशों में प्रसिद्ध हो। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।